अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से हम लोग भी खैरियत से हैं। तो ये हम भगोना रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और इसमें डाल दिया है 4 से 5 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और इसमें हम बनाने जा रहे हैं कलेजी। तो कलेजी हम किस तरीके से बनाते हैं वो रेसिपी हम आपको दिखाएँगे। तो तेल हमारा गर्म हो रहा है, कुछ हमने लिया है खड़े मसाले जो कि हम ये देख सकते हैं आप। फिर इसको हम डाल देंगे उसी तेल में, और ये थोड़ा सा जो है हल्का सा भुन जाएगा और इसमें खुशबू आने लगेगी। फिर इसमें हम डाल रहे हैं 4 मीडियम साइज के प्याज, हमने बारीक चॉप कर लिया था, तो प्याज भी हम डाल देंगे। और इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन भुनाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भुनेंगे। बस प्याज हमारा जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, बस उतना ही हमें भुनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ज़्यादा ब्राउन करने से इसकी जो है कलेजी में स्मेल आने लगती है। तो कलेजी कभी भी बनाए तो बिल्कुल लाइट ब्राउन रखती है। गोल्डन हो गया है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है हमको, बस लाइट गोल्डन करना है। ये देखिए लाइट पिंक हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कलेजी, जो कि हमारी 1 किलो से ज़्यादा कलेजी है। तो इसको हम धो के इसमें अच्छे से साफ धो लिया है। 6-7 पानी धोने के बाद फिर गर्म पानी से और क्या विनेगर डाल के धोया है कि जो इसमें पलट होते हैं वो निकल जाए। कलेजी में बार बार पलट भी निकला करता है, तो विनेगर डाल देने से आधा घंटा पहले पानी में गर्म डाल दो हल्का गुनगुना पानी में, तो जो है सारा साफ हो जाता है, पलट निकल जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, हमने कलेजी को भून लिया है ये देखिए, और अब इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये 4 से 5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, कलेजी ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हमको जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालना पड़ेगा, इसलिए कि कलेजी जो है थोड़ी सी ठीक आती है, बिसाहिन आती है, तो उसमें अदरक लहसुन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। तो इसमें हमने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने थोड़ा सा भून लिया है 2 से 3 मिनट की, उसकी जो है इसमें निकल जाए और वो पक जाए, कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, डेढ़ से 2 चम्मच, 2 चम्मच हमने नमक अपने अंदाज के हिसाब से ऐड कर दें। अब इसको हम चला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले, तो सारे मसाले को हमने डाल दिया है। इसमें जो है 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर था, 1 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर था, और 1 चम्मच घर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर था, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर था, 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर था, और 1/2 चम्मच से 1 चम्मच से ज़्यादा काली मिर्च पाउडर था। गरम मसाला हमने अभी नहीं ऐड किया है, गरम मसाला अभी थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। कलेजी हमारा जो है 50% तक भुन चुका है और मसाला भी भुन चुका है। इसमें हम डाल देंगे टमाटर, ये 3 बड़े टमाटर थे उसको हमने काट लिया है धो के, उसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे। राम लिया मोटे ना 2 से 3 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर, ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम चला देंगे 2 चम्मच भर भर के गरम मसाला पाउडर डाल दिया। 1 गिलास पानी हमने छोटे वाले गिलास से 1 गिलास पानी हमने डाल दिया है, और 1 गिलास के भी हमें लगता है और ज़रूरत है इसमें। ये देखिए इसी भर के 1 गिलास हमने डाला है, 200 ml का पानी ग्राम का गिलास है, 1 गिलास और हम इसमें डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 400 ml पानी। लगा देंगे ढक्कन, इसको छोड़ देंगे पकने के लिए। कलर आ गए हैं, बना है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हम कर देंगे बंद और इसमें डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, इसको हम बंद कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे
पत्ती इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी। अब इसको हम ढक्कन बंद कर देते हैं। चलिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना कि हमारी आने वाली कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वाचिंग द वीडियो, अल्लाह हाफिज़।